और अब हमारे साथ पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुरमीत सिंह हेयर जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी से बात करने के लिए। आज थोड़े समय पहले आपने अर्शदीप सिंह की माता जी से भी फोन पर बात की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस ट्रोलिंग के लिए? बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें पंजाबियों को देशभक्ति क्या है इसका किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जितना कंट्रीब्यूशन पंजाबियों का है, इंडिपेंडेंस से पहले भी इस देश को आजाद करवाने के लिए भी हमने 80% बलिदान दिए, उसके बाद भी 62 की लड़ाई हुई, 65 की हुई, 71 की, 99 की, हर किसी में हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन पंजाबियों का रहा। और खेलों में भी देश का झंडा 1947 15 अगस्त को देश के अंदर लहरा गया तिरंगा, लेकिन देश के बाहर पहली बार जब लंदन में ही, इंग्लैंड में ही, जिन्होंने 200 साल हमारे देश पर राज किया, वहां पर जब लहराया तो उस, क्योंकि जब ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता तो तब भी सबसे बड़ा योगदान बलबीर सिंह सीनियर का था, पंजाबियों का था। देश के बाहर जब झंडा लहराया गया, अब बलबीर सिंह सीनियर जिनके आज तक रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ पाया, उनकी इंटरव्यूज भी है कि जब झंडा देश का ऊपर जा रहा था मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। सो उस कम्युनिटी को, पंजाबियों को ऐसे कहना और देशभक्ति सिखाना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। पंजाबियों का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो देश की आजादी के लिए हो और खेलों में भी। हमारे जुबराज सिंह अगर क्रिकेट की बात करें, बिशन सिंह बेदी, अमरनाथ, हरभजन सिंह, मतलब कि जिन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड पैदा किए कि जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो हमें नेशनलिज्म की क्या परिभाषा है जो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। जी जी गुरमीत जी, अब केंद्र सरकार के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है ये पाकिस्तान की चाल हो, आईपी एड्रेस हो सकता है ये बताएं कि ये सब पाकिस्तान से जनरेट हो रहा है, ये हिंदुस्तानी है ही नहीं जो इस तरीके से बुला रहे हैं अर्शदीप को। वो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि सेंटर सरकार को पता करना चाहिए जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, लेकिन खेलों में नफरत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि खेल ऐसी चीज है जब दो टीम खेलती हैं, सिर्फ खेल ही है, जब हारने के बाद भी टीम एक दूसरे से हाथ मिलाती है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करती है, और उसमें ऐसी नफरत फैलानी, वो भी एक 23 साल का बच्चा जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ऐसी मतलब के शब्दावली यूज करनी, ऐसी नफरत की ट्रॉलिंग करनी, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जो भी लोग इसके पीछे है, मतलब के सरकार को उनका पता लगाना चाहिए, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि पूरा पंजाब, पूरा देश अर्श के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि एशिया कप भारत जीतेगा, और जैसे लास्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के साथ अर्शदीप मैन ऑफ द सीरीज था, इसमें भी अर्शदीप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और फाइनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और भारत एशिया कप जीत के वापस आएगा। और मैंने आज उसके माता जी से बात भी की है कि हम उसको रिसीव करने अर्श को एयरपोर्ट जाएंगे और अच्छा डोल से, धूम धमाके से उसको वहां से लेके आएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच गुरमीत सिंह हेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।